नमस्कार दोस्तों, ये आज ये आज का वीडियो खास तौर से आपके लिए प्राप्ति गौर का जो चैनल है उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो ये सभी के लिए है। सबसे पहले हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। हालांकि कुछ सालों से ही हम लोग योगा डे मनाने की शुरुआत करी है ऑफिशियली टू द UN, बट हम योग हमारे जीवन में बहुत पुराना है। ऋषि मुनियों के जमाने से, बहुत पुराने जमाने से हम लोग अपने को स्वस्थ रखने के लिए भांति भांति प्रकार की क्रियाएं करते आ रहे हैं। उनमें से योग एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो कि जिसके अंदर हम आसन, प्राणायाम, ध्यान सबको शामिल करते हैं। आज भ्रांति हो गई है कभी कभी कि योगा और मेडिटेशन दो अलग चीज है। मेडिटेशन जो कि ध्यान योग का ही एक हिस्सा है, उसके तहत आज हम छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन, हालांकि देर आर मैनी वीडियोज, बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। आज आपके लिए जो मैंने प्रयास किया है एक हेल्थी बैक प्रोग्राम, क्योंकि सभी को कमर दर्द, गर्दन दर्द की परेशानियां बनी हुई हैं, उसके तहत एक छोटा सा सूर्य नमस्कार को शामिल करते हुए लोअर बैक को, नेक को स्ट्रांग कैसे रख सकते हो आप, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो हम प्रयास करेंगे। उसको आप बड़ा कर सकते हो बिकॉज ऑफ द लिमिट, हमारे पास चैनल की लिमिट है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम छोटा ही वीडियो बना रहे हैं। उन्हीं एक्सरसाइजेस को आप दोहरा सकते हो, लंबे समय तक के लिए कर सकते हो। उसके तहत पहले तो हम एक सूर्य नमस्कार करेंगे और कुछ आसनों का प्रदर्शन आपके लिए करेंगे। इसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। पहले हम सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन कर रहे हैं दो राउंड। पहला है ऊर्ध्व हस्तासन, जहां आप श्वास लेते हुए अपने चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे। दूसरा पाद हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। अगर कमर दर्द है तो घुटना मोड़ के रख सकते हैं, फिर लेफ्ट लेग बाएं पैर को पीछे लेके जाएं, हिप को नीचे स्ट्रेच करें, चेस्ट एक्सपेंशन करें, प्लैंक संतुलनासन करें, फिर अष्टांग प्रणाम, घुटना, सीना और माथा जमीन पर, भुजंगासन। आप बहुत ज्यादा टेंशन ना करें, एल्बोस को बेंड करके रखें, हल्का सा एल्बोस को बेंड करके रखें, चेस्ट को एक्सपेंशन करें, फिर शशांक आसन में पहले जाएं, माउंटेन से पहले घुटने नीचे रखते हुए, और अब पर्वतासन में स्ट्रेच करें। अगर कमर दर्द है तो घुटने थोड़े से सॉफ्ट करके ही रखने, नहीं है तो वेरी हेल्दी स्पाइन, यू कैन स्ट्रेच कंप्लीट, जो पैर पीछे लिया था वही पैर वापस आगे, फिर दूसरा पैर आगे, और धीरे धीरे वापस पुरानी अवस्था में ऊर्ध्व हस्तासन के साथ नमस्ते की स्थिति में आ जाएं। यही दूसरा राउंड आप दाएं पैर को पीछे लेकर के कर सकते हैं। ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, श्वास छोड़ना है, राइट लेग पीछे, अश्व संचलन आसन और संतुलन आसन में सांस रोकनी है। थर्ड पोजीशन में सांस ली, अब सांस रोकी, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर भुजंगासन, सांस लेते हुए, पर शशांक आसन, उसमें आप घुटना टिका के रखा हुआ है, स्ट्रेच किया, ब्रीद आउट करें, फिर सांस इनहेल, सांस ले, ऊपर आए, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन करें, और फिर दाया पैर वापस, जो पैर पीछे लिया था, और लेफ्ट लेग बाया पैर वापस आ गया, और धीरे धीरे ऊपर आ गए, और फिर नमस्ते। इस प्रकार से आप ज्यादा भी कर सकते हैं, हमने दो राउंड किए। यहां से त्रिकोण आसन, आप अपना लेफ्ट लेग पीछे लेकर के जाएं, आपके पैरों का बराबर का गैप होगा, उसे ज्यादा बहुत स्ट्रेच नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है, नीचे बहुत ज्यादा झुकना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले हिप को ओपन करें, दोनों हाथों को स्ट्रेच करें, अब दाएं हाथ की तरफ देखें और स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे फिंगर टिप्स को टच करना है। अगर आप बहुत ज्यादा झुक रहे हैं, कंधा झुक रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएं और अपने शेप पोर्शन पे, पैर पे अपना सपोर्ट करके रख सकते हैं, अपने एंकल पे रखें, हाथ को बहुत ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है अगर नहीं जा पा रहे, इंपॉर्टेंट है चेस्ट एक्सपेंशन। फिर वापस आए, 10 से 15 सेकंड कम से कम हर पोजीशन में रुकना है, हाथों को नीचे करें, चेस्ट फेसिंग फ्रंट, और फिर वापस आ जाएं, पूर्व अवस्था में आना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से दाएं पैर को पीछे लेकर के जाना है, ओपन हिप, पीछे की तरफ से भी आप देख पाएंगे इस पोजीशन को, स्ट्रेच रखना है, कंधों को झुकने नहीं देना है, लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हुए अपने स्पाइन को रिलैक्स रखते हुए, गर्दन को ऐसे ढीला नहीं छोड़ना है, या तो ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, पूरा भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन हिप को ड्रॉप नहीं होने देना है,
ओपनिंग तक, फिर वापस जैसा कि मैंने बताया 10 से 15 सेकंड कम से कम रुकना है। हम सिर्फ वीडियो टाइम लिमिट की वजह से कम दिखा रहे हैं। पार्श्वकोनासन दूसरा है, फिर से लेफ्ट लेग को लेकर के जाएं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा गैप करना है। वीरभद्रासन दो की परिस्थिति में जाएं, फिर राइट एल्बो को राइट नी पर ही टिकाएं। वी आर डूइंग बेस्ट इजी वन एंड लेफ्ट आर्म ओवर योर ईयर्स। पुल करना है जितना पुल कर सकते हैं। पुश योर लेफ्ट फुट डाउन एंड पुल योर लेफ्ट आर्म अप। वापस आना है, रिलैक्स करना है, लेफ्ट लेग वापस, हमेशा पूर्व स्थिति में आना है। बहुत जरूरी है जैसे पोजीशन में गए रुके और वापस आए। दायां पैर पीछे लेकर के जाएंगे, वीरभद्रासन दो की परिस्थिति में जाएंगे। वीरभद्रासन में दो में याद रखें, घुटना पखने से ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, ये घुटने में दर्द दे सकता है। ये एक एंगल सीधा रहेगा, लेफ्ट एल्बो एंड देन राइट आर्म ओवर योर ईयर्स। आपका दाई का, आपकी कलाई, आपका कंधा, आपकी कमर, आपका पैर ऑलमोस्ट एक सीध लाइन में होना चाहिए। फिर वापस आए, रिलैक्स करें और राइट लेग वापस आए। अगला थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, फिर भी प्रयास करना है। इस बार हिप सामने की तरफ फेस रखेंगे और लेफ्ट लेग पीछे जाएगा। फिर से घुटने को मोड़ेंगे और इस बार ट्विस्ट पोजीशन करनी है। पहले नमस्ते करें, आपके हाथ बिल्कुल एक लाइन में, फोर आर्म्स इन वन लाइन। सांस लें, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करने की कोशिश करनी है और पोजीशन में जाना है। हम दूसरी तरफ करेंगे तब आप देख पाएंगे। वापस आए, रिलैक्स करें, लेफ्ट लेग को आगे लेकर के आए। जैसा कि मैंने बताया, दाएं कर को पीछे लेकर के जाए, अपना बायां घुटना मोड़ लें, नमस्ते पोजीशन में आए, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। अब आप देख सकते हैं नमस्ते पोजीशन, अब ऊपर वाली हथेली नीचे वाली हथेली को पुश कर रही है, तो आपका ट्विस्टिंग अच्छा हो रहा है। इसी प्रकार फिर वापस आए, रिलैक्स करें, दायां पैर आगे लेकर के जाएं और धीरे धीरे बैठ जाएं और पीठ के बल लेट जाएं ऑन योर बैक। ये वार्मिंग था, थोड़ी एक्सरसाइज थी। अब अगर कमर में कोई अनकंफर्ट आया हो तो उसको और बैक स्ट्रेंथ करने के लिए तीन स्टेप फॉलो करने हैं। पहला, हिप लिफ्टिंग विदाउट बेंडिंग द नीज, घुटने नहीं मोड़ने हैं, हथेली पुश करनी है, एड़ियां पुश करनी है। गहरा श्वास लें और हिप को ऊपर उठाएं, सांस को रोक के रखना है, हिप ऊपर उठाने हैं, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। मेमोरी के लिए एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सांस लें, कमर को उठाएं, सांस छोड़ें। ऐसा आप 5 से 10 बार तक भी राउंड कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में घुटनों को थोड़ा सा मोड़ना है और फिर से यही रिपीट करना है। गहरा श्वास लें, हिप अप, सांस छोड़ें, एक बार और, लास्ट एंड थर्ड स्टेप। एडीएम पूरी तरीके से पास में, लेकिन हिप के पास नहीं, फिंगर टिप से टच होनी चाहिए, उससे ज्यादा नजदीक नहीं लानी है। फिर से गहरा श्वास लें, कमर को उठाएं, श्वास छोड़ें, फिर से इस प्रकार से। उसके बाद में पैर सीधे करें, कमर को स्ट्रेच करने के लिए लोअर बैक और हिप के लिए अपानासन या पवन मुक्तासन जिसे हम बोलते हैं। सिर नहीं उठाना है अगर गर्दन दर्द है तो, गर्दन में दर्द नहीं है तो फोरहेड को, सिर को उठा के घुटने से टच करना। रुक सकते हैं, रुकना है 5 से कम 10 से 15 सेकंड, फिर वापस आ सकते। सिर उठाया हुआ है तो टेंशन हो सकती है, सिर आप नीचे रख सकते हैं। दूसरा पैर इस पोजीशन में सबसे ज्यादा रुकना है, गर्दन को सिर्फ कुछ सेकंड के लिए उठा करके फिर वापस नीचे रख। इसी प्रकार से दोनों पैर, इतना करने के बाद हम पेट के बल ले लेंगे और भुजंगासन और शलभासन का अभ्यास करना है। भुजंगासन में हाथ फोरहेड से बिल्कुल लाइन में, थोड़ा सा साइड में खुले हुए हाथ, गहरा श्वास लेते हुए चिन अप, श्वास छोड़ते हुए पूरा ऊपर आना है। यहाँ रुकना है, चेस्ट एक्सपेंशन, बहुत ज्यादा ऊपर टेंशन में आने की
करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आगे रहना है, चेस्ट एक्सपेंशन इज मोर एम। यहाँ आप रुक सकते हैं, रिपीटेशन करना है कर सकते हैं, रुकना है रुक सकते हैं, फिर वापस आना है। शलभासन का अभ्यास, हाथ हथेली ऊपर की ओर करते हुए थाइस के नीचे रखने हैं, सीधे हाथ फोरहेड जमीन पर टिका के रखना है और एक एक पैर ऊपर उठाएंगे। गहरा श्वास लें, अपने बायां पैर ऊपर उठाएं, रोक के रखें जितनी देर रख सकते हैं। याद रहे 10 से 15 श्वास मिनिमम रोका जाए तो स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है। फिर पैरों को चेंज करें, अपना दायां पैर ऊपर, फिर रिलैक्स करना है। अगर लोअर बैक पेन नहीं है तो दोनों पैरों को भी एक साथ उठाया जा सकता है। दोनों पैरों को उठाते समय थोड़ा सा तनाव कमर पे आ सकता है, अगर आ रहा है तो नहीं उठाना है, एक एक पैर भी काफी है। फिर रिलैक्स करना है, दोनों हथेलियों के सहारे से बालासन में जाना है, पहले शशांकासन और फिर बालासन। रिलैक्स करते हुए बैठना है और अर्ध मत्स्यासन, क्योंकि ट्विस्टिंग बहुत जरूरी है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और आपकी कमर के लिए और पेट के लिए, दोनों के लिए। तो सिंपल सा करना है, ज्यादा नहीं करना है। बायां पैर मोड़ना है और पैर को घुटने के पास दाईं तरफ रखना है। पहली पोजीशन में आप सिर्फ हग कर सकते हैं बायां और अपने दाएं हाथ से बायां हाथ पीछे की तरफ और लुक देखना पीछे की तरफ है, दायां पैर एक्टिव रहेगा। कुछ सांस रुकें, फिर इसी को और इम्प्रूव करें, दायां हाथ ऊपर स्ट्रेच करें और क्रॉस करते हुए ट्विस्ट करें। आपका फोरआर्म पैरेलल टू द फ्लोर या फिर हिप के पास रख सकते हैं तो ये ज्यादा अच्छी ट्विस्टिंग हो जाएगी। रुकना है 10 से 15 श्वास, फिर वापस आना है। दूसरा पैर इसी प्रकार से पहले हग कर लें, कुछ श्वास रुकने के बाद प्रॉपर और अच्छा ट्विस्ट करें। किसी भी साधारण अवस्था में बैठने, जिस भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, 3 से 5 या ज्यादा बार भ्रामरी का अभ्यास करें ताकि मन की शांति हो, शारीरिक रिलैक्सेशन हो। अंगूठे से आपके कान बंद करने हैं, हथेलियों फिंगर्स को चेहरे पर रखना है और एम का उच्चारण 3 बार करेंगे हम, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। गहरा श्वास लें, हर उच्चारण के साथ शिथिल का ढीलापन रिलैक्सेशन करते चलिए। फिर से जितना अच्छा फ्री उच्चारण साउंड आप निकाल सकते हैं, जितना ज्यादा वाइब्रेशन होंगे उतने हमारे लिए अच्छा होगा। एक बार और करके देखते हैं, हालांकि अगर आपको मालूम है इसके बाद में तो आप प्राणायाम करें, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम आवश्यक है, अच्छा है। कम समय है तो एक दिन आप आसनों का अभ्यास करें, एक दिन आप प्राणायाम का अभ्यास करें। याद रखें अभ्यास के बाद में शवासन बहुत जरूरी है। मैं दिखा रहा हूँ शवासन को, पोजीशन वही है लेकिन शिथिल छोड़ना है। योग निद्रा इससे बोला जाता है या शवासन, इसके रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे ऑडियोज हैं, आप किसी भी ऑडियो को या आपका मनपसंद रिलैक्सिंग म्यूजिक भी आप लगा सकते हैं और कुछ मिनट्स के लिए आवश्यक तौर पर लेटें, शिथिल करें, ढीला छोड़ें अपने आप को। और इस प्रकार से आप ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें, मन ही मन में अभ्यास करें कि मैं स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है और मैं खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। हमेशा जब